फाइव कन्फर्म थिंग्स इन अपकमिंग किया सेल्टोस फेसलिफ्ट। जैसा कि आपने मेरा टाइटल एंड थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम इस वीडियो में किया सेल्टोस फेसलिफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं। एंड इन पांच चीज़ों में मैं ये पूरी गाड़ी कवर कर लूँगा। अगर आपने मेरी ये वीडियो देख ली, आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पर कार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पड़ी रहती है। That will help you to buy a right car according to your needs. So, यहाँ पे करते हैं अपने वीडियो स्टार्ट। फर्स्ट कन्फर्म थिंग की बात करें, वो है इस गाड़ी की एक्सटीरियर लुक्स। अगर आप किया सेल्टोस फेसलिफ्ट को फ्रंट से देखेंगे, इस गाड़ी में आपको इस बार एक्सटेंडेड डीआरएल्स देखने को मिलेंगे विद फुल एलईडी हेडलैम्प्स। बाकी आपको बम्पर के डिज़ाइन में भी थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस देखने को मिलेगी। साइड लुक की बात करें, साइड से मेजर डिफरेंस नहीं होने वाला, बस आपको न्यू स्टाइल के 17 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे। और अगर बात करें रियर प्रोफाइल की, रियर प्रोफाइल में आपको इस बार इस गाड़ी में कनेक्टेड फुल एलईडी टेलम्स प्रोवाइड किए जाएंगे, रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे डाउनसाइड बम्पर, उसके साथ रियर वाइपर, रियर कैमरा, रियर डिफॉगर जैसे फीचर्स के साथ। रूफ़ की बात करें, रूफ में आपको इस गाड़ी में फुल पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिलेगा इस बार, यानी कि बड़ा वाला जो आपको ग्रैंड विटारा में देखने को मिलता है, उसके साथ शार्क फिन एंटीना एंड छोटे से रूफ रेल्स। सेकेंड कन्फर्म थिंग की बात करें, वो है इस गाड़ी का इंटीरियर। बेसिकली आपको इस गाड़ी के डैशबोर्ड का डिज़ाइन एंड ओवरऑल फीचर्स थोड़े न्यू देखने को मिलेंगे, जैसे कि इस बार आपको इस गाड़ी में फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाएगा, उसके साथ अपग्रेडेड इंफोटेनमेंट सिस्टम विद वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले इंक्लूडिंग 360 डिग्री कैमरा। एंड अगर आप इसका ऑटोमेटिक एसी का कंसोल देखेंगे, वो भी आपको इस बार अपडेटेड देखने को मिलेगा। बाकी आपको इस गाड़ी में रियर एसी वेंट्स देखने को मिल जाएंगे विद इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, वायरलेस चार्जर, ऑटो IRVM, फ्रंट टू वेंटिलेटेड सीट्स, ड्राइवर सीट इलेक्ट्रिक, फ्रंट एंड रियर आर्मरेस्ट विद ऑल स्टेबल हेडरेस्ट एंड छत पे सनरूफ। थर्ड कन्फर्म थिंग की बात करें, वो है इस गाड़ी की सेफ्टी। इस गाड़ी में आपको पहले भी 6 एयरबैग्स, ABS, ABD, हिल असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और भी ढेर सारे सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल जाते थे, पर इस गाड़ी में आपको ADAS नहीं देखने को मिलता था। पर अब 2023 मॉडल में आपको किया सेल्टोस में भी ADAS देखने को मिल जाएगा। पर अगर हम बात करें किया सेल्टोस के बिल्ड क्वालिटी की, वो अभी भी आपको पुरानी जैसी ही देखने को मिलेगी, पर ADAS से थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, यानी कि सेफ्टी थोड़ी इनहांस हो जाएगी, पर आपको बिल्ड क्वालिटी वही बेकार देखने को मिलेगी। फोर्थ कन्फर्म थिंग की बात करें, वो है इस गाड़ी का इंजन। बेसिकली इस गाड़ी में आपको इस बार भी 3 इंजन ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे। एक वही 1.5 लीटर का नॉर्मल पेट्रोल इंजन प्रोवाइड किया जाएगा एंड एक 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो थोड़ी देर चलेगा एंड बाद में डिसकॉन्टिन्यू हो सकता है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं आज की रेट में डीजल इंजन डिसकॉन्टिन्यू हो रहे हैं। एंड उसके साथ 1.4 लीटर का जो टर्बो पेट्रोल इंजन आपको देखने को मिलता था, उसकी जगह आपको न्यू 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा, वही सेम इंजन जो आपको हिंडाई वर्ना 2023 में देखने को मिलता है। बाकी ये गाड़ी आपको ढेर सारे ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल हो जाएगी। फिफ्थ एंड लास्ट कन्फर्म थिंग की बात करें, वो है इस गाड़ी का प्राइस एंड लॉन्च डेट। सो अगर प्राइस की बात करें, जैसा कि आप जानते हैं ये फेसलिफ्ट है, सो डेफिनेटली ये महंगा होने वाला है। इसके बेस वेरिएंट में आपको लगभग 20-30 हज़ार का फ़र्क देखने को मिलेगा एग्जिस्टिंग प्राइस से। और अगर आप इसका टॉप एंड वेरिएंट लेना चाहेंगे, हो सकता है कि आपको 1-1.5 लाख एक्स्ट्रा पे करना पड़े एग्जिस्टिंग प्राइस पे। और अगर बात करें इस गाड़ी के लॉन्च डेट की, ये July 4, 2023 को लॉन्च हो जाएगी, यानी कि अगले महीने स्टार्टिंग में ये गाड़ी इंडिया में लॉन्च हो जाएगी। सो ये थी मेरी वीडियो जिसमें मैंने आपको इस गाड़ी के बारे में पूरा बता दिया, यानी कि 5 कन्फर्म थिंग्स इन अपकमिंग किया सेल्टोस। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी एंड मैं फ्यूचर में इससे भी बढ़िया कंटेंट लाता रहूँगा। सो टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।